हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम प्रिसेप्टर सेल्यूविस का क्वेस्ट करने वाले हैं। प्रिसेप्टर ही नाम था शायद इसका, जो भी था सेल्यूविस नाम है उसका, इतना पता है मुझे। सेल्यूविक अनलॉक करने के लिए हमें कार्य मैनर क्लियर करना पड़ेगा, जो कि बेसिकली रानी के क्वेस्ट से रिलेटेड है। रानी, ब्लेड और ईजी तीनों के क्वेस्ट से, सॉर्सरर सेलेन के क्वेस्ट से भी रिलेटेड है। और सामने एक ड्रैगन घूम रहा है, लेकिन मैं हाईली सजेस्ट करूँगा उससे फाइट मत करना बिल्कुल। इसलिए नहीं कि बहुत हार्ड है, या इसलिए नहीं कि आप मार ही नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं, या फिर इसलिए नहीं कि वर्थ इट नहीं है। वर्थ इट तो नहीं है वैसे, क्योंकि भाग जाएगा ड्रैगन आधे फाइट में ही, उसको अपन मार नहीं सकते। मेरे ख्याल से स्क्रिप्टेड है, अलग दो बार हो चुका है मेरे साथ यही चीज़। और दूसरी बात, मारने के लिए मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि रानी के क्वेस्ट के एंडिंग में बहुत काम आएगा। अगर आप ब्लेड से लड़ने में मुश्किल होती है तो समन कर लेना, जो भी अपना आपके पास रहेगा स्पिरिट एशेस, उसको समन करके यूज़ कर सकते हो। तो ये आ गए अपन भाई सेल्यूविस राइस, इससे बात कर लेते हैं। Well, well, you took me at my word. Did you not realize I was merely being polite? Oh, you provincials never cease to amaze. I suppose you're here now. Perhaps I'll give you something to do. I'd like you to find a woman called Nefeli to administer a potion. Even you can do that much, can't you? तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा भाई, चाहो या नहीं चाहो। Good, good. Now I shall hand over the potion in question. Find Nefeli and ensure she drinks it. I expect glad tidings, and soon. I've no time for idle chit-chat. The only thing I will hear from you is a report of your task's completion. Are we understood? Then off you trot. I have enough on my plate. Well, well, you're asking me about that, are you? The task was left to you and the mongrel, was it not? Not only are you incompetent, but shameless to boot. Well, there's no helping it. Now's as good a time as any. I'll let you in on it. There's a glintstone sorcerer by the name of Selin in Limgrave. She owes me for the help I gave her when she was expelled from the academy. I asked her to look into the matter some time ago. I'll write you a letter of introduction. Go ask her. I've no time for idle chit-chat. The only thing I will hear from you is a report. Are we understood? तो यहाँ पर ऊपर एक मेमोरी स्टोन मिलेगा, उसको ले लेते हैं पहले। तो मेमोरी स्टोन क्वेस्ट के लिए ज़रूरी नहीं है, मैं अपने लिए ले रहा हूँ। तो सेल्यूवी वो कैरेक्टर है भाई जिसको आप पहले ही देख के समझ गए होंगे, ये बंदा तो बिल्कुल सही नहीं लग रहा है मुझे, या बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। एक तो ऐसा एक्ट करता है जैसे कि हर काम अकेला ही करता है, जो कि ना 1% भी सच नहीं है। सब बहुत काम करते हैं, ब्लेड हो गया, ईजी, इवन अपना टार्निश जो है सामुराई जी, अपना कैरेक्टर, वो भी बहुत काम करता है। और इसने जो पोशन दिया है, ये पोशन भाई बिल्कुल सही नहीं है। इसको आप नेफिली को दे सकते हो, तो नेफिली को देना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसको अगर दोगे तो नेफिली का क्वेस्ट नहीं कर पाओगे, बात याद रखना, आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात, डंग ईटर को दे सकते हो, उसको भी अगर दे दिए तो उसका क्वेस्ट कंप्लीट बिल्कुल नहीं कर पाओगे। और अभी अपन बात करते हैं सर गिडियन ऑफनीर से। नो नो नो, ये डायलॉग नहीं चाहिए भाई। ये यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको अगर आपके पास पोशन होगा तो। Or would you rather hand that potion to me and see if we can't get one over on the bastard? Good. I'll dispose of the potion myself. You go and see Selinus, but don't give anything away. Just tell him that you tricked your mark into drinking the potion as planned. Despite knowing next to bloody nothing, he's so far up his own arse he won't suspect a thing. His inevitable display of arrogance will certainly be a sight to behold.
तो भाई जैसा कि हमें पता चला कि अपन ट्रिक कर सकते हैं सेलिवी को, यहाँ पर पोशन देखे, और अब अपन दोबारा चलते हैं सेलिवी के पास। ये रहा, यहाँ पर रानी सराय से ही जा सकते हैं, यहाँ पर दूसरा रास्ता जाएंगे तो और लंबा पड़ जाएगा। तो नेफिली अगर डंग ईटर को दोगे तो उनसे आपको पपेट तो मिल जाएगा, लेकिन आप क्वेस्ट कंप्लीट नहीं कर पाओगे उनका, जो कि बेसिकली एक स्पिरिट समान होता है। यहाँ पर है बेवकूफ। So you made Nefeli drink the potion. Well done. You are a touch more useful than I had thought. Very well. Then you shall have your gift. Knowledge of the sorcerous arts under the tutelage of the great preceptor Selavis. I doubt much of it will lay within the grasp of a mere tarnished, but if you put your mind to it, perhaps you won't embarrass our lady. You wish to begin right this moment? Well, your impatience, though boorish, is understandable. Let's have at it. So, you had Nefeli drink the potion? Truly? Then perhaps something was amiss with it. It's concocted from the finest ingredients, but perhaps I should review the recipe. I may have expected too much if I had to begin with. तो ये सब सॉर्सरी बाय करना क्यों जरूरी है मुझे नहीं पता, लेकिन इसके क्वेस्ट को प्रोग्रेस करना है तो जरूरी है भाई। तो आपका रून्स खर्चा होगा, मैं सीधा सीधा बता दे रहा हूँ पहले ही बार में, क्योंकि दूसरा डायलॉग अनलॉक नहीं होता है, क्योंकि मैंने रीस्टार्ट भी किया था गेम, नहीं अनलॉक हुआ था। तो रानी सराइस के सामने जो रून्स रहता है लेफ्ट साइड में, जब अपन आते हैं तो उस रून्स में जाना है हमको, रून्स नहीं है रूइंस में, रून्स और रूइंस ना नाम एक जैसा लगता है बिल्कुल। रून्स यहाँ का पॉइंट हो गया, जैसे कि वहाँ पर सोल रहता था डार्क सोल्स में, यहाँ पर रून्स होते हैं यार, पता नहीं क्यों एक जैसा नाम रखते हैं लोग, कन्फ्यूजिंग होता है। हाँ 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 ये एरिया है, जैसे देख के पता चला है फेक वॉल है, वॉल नहीं भाई फ्लोर है, बहुत सही। तो ये एरिया बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेस्ट प्रोग्रेस करने के लिए। और ये देखो यहाँ पर क्या है, देखो ये सब बॉडी पड़ी हुई है यहाँ पर, और ये देखो दूसरी बॉडी भी है, सेलिविस पपेट डोंट टच भी लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, और इतने सारे बॉडी है यहाँ पर, मतलब समझ रहे हो, वो बंदा पोशन देता इसलिए ताकि लोग अपने बॉडी का कंट्रोल खो दें और उनसे अपना पपेट बनाता है, और पता नहीं क्या क्या करता होगा। और एक ब्लॉग में तो ये पढ़ा था मैंने कि सेलिविस रेपिस्ट है, क्योंकि वो दूसरे की बॉडी की कंट्रोल अपने हाथों में ले लेता है, ये हो सकता है बिल्कुल सही है। और मेरे को बंदा शुरू से सही नहीं लगता, और ये चीज़ कन्फर्म करने के लिए आप स्टोरी देखते रहो, आगे पता चल जाएगा ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, और क्यों ब्लॉग में उन्होंने ऐसा कहा था जिन्होंने भी लिखा था फोरम। इनसे बात करते हैं अब, नए डायलॉग अनलॉक वही होगा बेवकूफ। Begging for another lesson, so the remains much. You break into a man's private chambers, rooting about as you please. Your offishness knows no bounds. Fine and well. You tricked Nefeli and had her drink the potion. I believe that makes you my accomplice. You yearn for a puppet of your own. Well, normally one of your stature would never be allowed. But perhaps I can make a very special exception. Now, choose. तो फिंगर मेडन या फिर जो भी है बाजू में, जॉ राइट पपेट, जार वाइट पपेट, इन दोनों में से चूज करना है अपन को एक, बाद में ले सकते हैं दूसरा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई सा भी एक चूज कर लेना, मैं एक कर लिया हूँ फिंगर मेडन वाला। तो अभी जो है यहाँ पर पूरा सॉर्सरी लेना पड़ता है इससे, तभी प्रोग्रेस होगा, दूसरा डायलॉग अनलॉक होगा। रीसेट कर लेना ज़्यादा सही है गेम को, अभी रीलोड कर लेना देखो यहाँ पर आ गया ऑप्शन, आई वांट अ न्यू पपेट। व्हाट्स दैट? यू वांट अनदर पपेट? क्वाइट द कीन पारामोर, आरंट वी? बट आई एम अफ्रेड ईच एंड एवरीवन इज लाइक अ चाइल्ड टू मी, आई कैन हार्डली जस्ट गिव देम अवे। Oh dear, what's to be done? Why don't you
Fetch me some starlight shards. If you can manage it, I'll gladly prepare a new puppet for you. The soul of every puppet has its own ambience. You'll soon come to know once you possess a few. And once each's predilections are known to you, the better you'll be able to love them. Oh yes, you have much to look forward to further down this road. वो ये करना जरूरी है नहीं मुझे नहीं पता लेकिन मैं ले लिया पपेट। You're proving to be quite the puppeteer. I've not had an apprentice for a very long time indeed. How's the puppet I gave you? A thing of exquisite craft, is it not? About the scheme, नया डायलॉग अनलॉक हुआ। Perhaps you'd be interested in a little scheme of mine. It will produce the finest of puppets, which I aspire to cherish with these very hands. A ploy to fool even Lady Rani. How does that sound? तो प्रोग्रेस करने के लिए करना पड़ेगा। I knew I had you pegged. You're just like me. Then I'd like you to procure something. A rather unique starlight shard that glistens with amber. With that, my special draft will gleam with nectar sweetness, and even a demigod would be slave to its charms. Procure it for me, the rather unique starlight shard that glistens with amber. With that, my special draft will gleam with nectar sweetness, and even a demigod. तो भाई इसने बेसिकली कहा कि रानी को धोखा देने के लिए जैसा कि आप समझ गए होंगे क्योंकि उसने कहा कि एक ऐसा पोशन बनाऊंगा कि डेमीगॉड को भी वो कर लेंगे अपन बेवकूफ़ है ना डेमीगॉड को मजाक समझ रहा है लेकिन उसने कहा कि एम्बर स्टारलाइट शार्ड लेकर आना मेरे लिए इस प्रोग्रेस को कंप्लीट करने के लिए और एम्बर स्टारलाइट शार्ड इस जगह पे मिलेगा हमें तो कोई नहीं यहां से अपन डायरेक्ट जा सकते हैं दूसरा सबसे पास नहीं है मेरे पास दूसरा कोई क्या बोलते हैं राइट ऑफ ग्रेस को डेक्टस ग्रैंड लिफ्ट ऑफ डेक्टस से ही जाऊंगा दूसरा अनलॉक होता आस पास तो अलग बात है लेकिन ये क्वेस्ट में बहुत शुरू शुरू में कर रहा था गेम की स्टार्टिंग में कोई रिवॉर्ड वगैरह के लिए ताकि लेवल अप वगैरह जल्दी हो जाए आगे का एरिया बहुत हार्ड होता है जैसे कि एंड गेम एरिया जो होते हैं मॉगविन पैलेस वगैरह या फिर माउंटेन टॉप ऑफ द जाइंट्स ये सब हार्ड एरिया है उसके लिए मैं तैयारी कर रहा था इसलिए क्वेस्ट पहले कर लिया मैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो ग्रैंड लिफ्ट ऑफ डेक्टस में आ गए हैं मेडेलियन यूज़ करते हैं अभी यहाँ से हम तो सेल्यूविस देखो इतना खतरनाक बंदा है अपनी ही मिस्ट्रेस को धोखा दे रहा है यानी कि जिसके लिए काम कर रहा है उसी के साथ लॉयल नहीं है तो अपन कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे साथ हो लॉयल तो मैं सीन स्किप कर दिया आई डोंट थिंक ये वो वर्थ इट है तो बीच में एक साइट ऑफ ग्रेस मिलता है एल्टस प्लेटू जंक्शन हाईवे वाला मैं अभी नहीं जा रहा हूँ ग्रेस में मैं डायरेक्ट शार्ड उठाऊँगा वहाँ से एम्बर स्टारलाइट शार्ड और वापस चलेंगे सेलिविस के पास बंदा बिल्कुल सही नहीं है रानी को धोखा दे रहा है ब्लेड को धोखा दे रहा है सबको धोखा दे रहा है मुझे ही नहीं पता किसको मारता कौन है जैसे कि आप स्टोरी प्रोग्रेस करोगे और आप अगर इस पॉइंट में अगर फिंगर स्लेयर ब्लेड उठा लिया ना तो इसका क्वेस्ट प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे आप टेंशन मत लो ये सेलिविस का क्वेस्ट बहुत से लोग इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर अपन को मैजिक स्कॉर्पियन चार्म मिलता है जो कि एकदम टोटल मिसेबल वो है आइटम है अगर मिस हो गया तो नहीं मिल सकता दोबारा आप या तो ऑनलाइन किसी से मांग सकते हो वो तालिस्मान या फिर न्यू गेम प्लस से या न्यू गेम खेल के ले सकते हो और दूसरा कोई रास्ता नहीं है उसको ढूंढने के लिए सही जा रहे हैं अपन लोग यहाँ पर सामने एक गड्ढा होगा मेरे ख्याल से गड्ढा होता है उसी के नीचे एनिमी लोग रहते हैं और उसी के पास रहता है ये शार्ड अच्छा गड्ढा नहीं है यहाँ पर डायरेक्ट यहीं मिलता है ये सेक्रीमेंटल बर्ड भी है यहाँ पर आसपास ये अच्छी बात है ये बहुत रेयर आइटम है भाई कभी मत जब भी मिले आपको सेक्रीमेंटल बर्ड मैं सभी उठा लेता हूँ वैसे
क्योंकि बहुत काम आता है बोलसेस वगैरह बनाने के लिए। अब मुझे नहीं पता कि इनका बेल बेयरिंग मिलेगा या नहीं, सेक्रीमेंटल बर्ड वगैरह का। एक तो बेल बेयरिंग हंटर एकदम हिडन बॉस होता है, अचानक भयानक कभी भी आ जाता है, रात को ही आते हैं बेसिकली वो लोग। तो अपन आ गए वापस सेल्यूविक के पास। लेसन के लिए नहीं आया भाई, सामान लेके आया हूँ। Well, you managed to lay your hands on it. The blessed day is finally upon us. Goodness gracious, the way it glistens. Utterly enchanting. To think this was once a demigod's very fate. My, oh my, oh my. Ah. Are you still here? Oh, yes, I should give you your reward. Yeah, please, it's all yours. It's splendid work. It's just marvelous. Now just you wait. The merriment is soon to begin. The scheme I promised is to be revealed very shortly. तो भाई वेट करने को कहा है तो उसके लिए आप रीलोड कर लेना गेम को, तब तक वेट कंप्लीट हो जाएगा। गुड, आई बीन वेटिंग फॉर यू, इट्स फाइनली कंप्लीट, द परफेक्शन ऑफ माय ड्राफ्ट ग्लीमिंग नेक्टर स्वीट, गिव इट टू रानी एंड इंश्योर शी ड्रिंक्स इट। The dead-eyed doll lets down her guard in your presence, rather remarkably. Though she might dip her hands in the dirt and feign that icy persona, she's a frail, gentle girl at heart. You understand, don't you? That once you have Rani drink my draught, my scheme will come to fruition. And we... Well, we'll be in a position to claim the very finest puppet ever crafted. Just imagine the pure elation. The dead-eyed doll lets down her guard, though she might dip her... Oh, bhai, Rani, agar drink bhi karti potion... तो मान लो भाई उसको समन भी करते ना स्पिरिट एशेस, आई डोंट थिंक कि वो बहुत यूजफुल स्पिरिट एशेस होती है मिमिक टीयर्स जैसे कि, या फिर ये यूज़ करना चाहता है रानी को तो उसका भाई डॉल बॉडी है, यू कैंट हैव सेक्स विद डॉल्स। मतलब आजकल तो बना देते हैं लेकिन कितने डेस्परेट हो गए यार इंसान, ये सब हरकत करने लगे हैं। ये सब मुझे नहीं पता ऐसा क्यों करते हैं, काहे के लिए करते हैं। तो अभी इस एरिया में अगर आप नौकरों से फिंगर स्लेयर ब्लेड उठा लियो तो इसको प्रोग्रेस नहीं कर सकते, आपके पास नहीं होना चाहिए ब्लेड, तभी कर सकते हो, तभी ऑप्शन आता है। This is a most unpleasant awakening. The depths of wickedness never fail to surprise me. I am saddened that thou wouldst succumb to such depravity, led astray by Celavis with devious tonic in hand. Didst thou think to have thy way with me? Be gone, hapless scum. I won't have another whiff of thy rotten breath. I have spoken. Away from my sight. This is the third time, fiend. Enough of thy unbearable breath. तो भाई रानी नाराज हो गई हमसे क्योंकि अपन उसको धोखा दे रहे थे, जो कि सही है बेसिकली। तो इस पॉइंट के बाद सेल्यूविस मर जाएगा, कैसे नहीं पता, वो भी अपने पपेट के जैसा ही मरेगा। आई थिंक रानी ने मारता है उस, रानी ने मारा है उसे, और हम भी मर गए जैसे पता चला। जीरो हमारे पास रून्स बचे हैं, सेल्यूविस के पास जाके देखते हैं, वो निपट चुका होगा अभी तक मेरे ख्याल से, चेक कर लेते हैं एक बार। सही है भाई, उसका निपटना बहुत ज़रूरी है, कोई कैरेक्टर का निपटना है या नहीं है लेकिन उसका निपटना है ज़रूरी। वर्थ इट कैरेक्टर नहीं यार वो, जिंदा रहने लायक है, उठपटांग हरकत करता है।
का ये देखो निपटा हुआ है। पूरा आइटम वगैरह मिल गया हमें और यहाँ से आप पपेट एक्सचेंज कर सकते हो अगर करना चाहो तो। और कोई आप पपेट अगर मान लो नेफली को दे दिए या डंग ईटर को पोशन दे दिए तो उनका पपेट मिल जाएगा, इधर ही मिलेगा या फिर वो रूम में मिलता है हिडन वाला जो फ्लोर रहता है। तो हमें इस जगह पे जाना है चर्च ऑफ वाव, वहाँ इसलिए ले जा रहा हूँ मैं क्योंकि इस पॉइंट के बाद आप अगर वहाँ नहीं जाओगे, अटोन नहीं करोगे अपने सिंस को, पाप का प्रायश्चित नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो वो करने के लिए एक आइटम चाहिए होता है सेलेस्टियल ड्यू, मैं बता दूंगा उसका लोकेशन वीडियो में आगे। लेकिन पहले यहाँ चले जाते हैं चर्च ऑफ वाव, वहाँ बहुत एक ताबड़तोड़ एनपीसीज मिलेगा। मैं अपने मेन अकाउंट में बहुत आखिरी मिला था उससे, ये गलती हो गया था, लेकिन उससे आप पहले मिल लेना क्योंकि मैं ये सजेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत स्टोरी एक्सप्लेन करेगा वो बैक स्टोरी। वहाँ पर सुबह हो रहा है देख रहे हो, बहुत ताबड़ लगा। इतने शर्म की बात ये है एल्डन रिंग के लिए क्योंकि अभी तक फोटो मोड नहीं डाला इन्होंने, जो कि बहुत शेमफुल बात है। दे शुड हैव अ फोटो मोड भाई, क्योंकि 2022 का गेम है, ऊपर से फ्रॉम सॉफ्टवेयर का गेम है तो होना ही चाहिए। यहाँ पर एक साइट ऑफ ग्रेस मिल गया, अब यहीं डायरेक्ट टेलीपोर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर फास्ट ट्रेवल मत करना भाई रात को, देखो बेल बियरिंग हंटर आता है तो संभल के करना अगर करोगे भी तो। बेल बियरिंग हंटर एनोइंग होते हैं थोड़ा। तो अपन यहाँ आ गए चर्च ऑफ वाव, ये है हमारे पास्टर म्यूरियल, ब्लू लाइट से टच हो गया जानबूझकर। यहाँ पर अटोन करने होता है हमारे सेंस को। तो सेलेस्टियल ड्यू नहीं है हमारे इन्वेंट्री में इसलिए नहीं कर पाया। सेलेस्टियल ड्यू लेने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, एक मर्चेंट होता है एंसेल रिवर में, उनसे भी आप ले सकते हो, लेकिन मैं जो रास्ता बता रहा हूँ आपको पता होगा सर, एंसेल रिवर या कहीं होता है। हमें सबसे पहले यहाँ जाना पड़ेगा साइट ऑफ ग्रेस में, क्या नाम था साइट ऑफ ग्रेस का, एंसेस्ट्रल नहीं नाइट सेक्रेट ग्राउंड। ये बेसिकली अपन एंसेस्ट्रल वुड वाले साइट ऑफ ग्रेस से जाते हैं, वहाँ से थोड़ा पार्कोर करके जाना पड़ता है उस साइट ऑफ ग्रेस में जहाँ पर मैं भी पहुँच गया हूँ। और वहाँ पर थोड़ा सा फाइट करना पड़ेगा अपन को, वैसे फाइट करना ज़रूरी नहीं है, तुरंत उठा के भाग सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। और ये बहुत सारे मिमिक टीयर जैसे एनिमी हैं यहाँ पर, क्योंकि एरिया इन्हीं लोग से भरा हुआ रहता है तो थोड़ा संभल के रहना। मैं वैसे विंगर फ्लेयर ब्लेड उठा दिया, वीडियो स्किप कर दिया और सेलेस्टियल ड्यू लेके यहाँ आ गया इस एरिया में। और अब यहाँ से अटोन कर सकते हैं अपन अपने सीन को। तो इस पॉइंट के बाद आप रानी के क्वेस्ट को कंप्लीट कर सकते हो, या फिर कोई भी एनपीसीज को अगर गलती से लग गया, मान लो टोरेंट से भाग रहे हैं सामने आ गया तो उसको लग गया और वो एनिमी बन गया, तो उसके कारण भी आप यहाँ पर अपने सीन्स को अटोन कर सकते हो। तो यही था भाई आज का गेम प्ले वीडियो, यानी कि साइड क्वेस्ट सेलिवी का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, होप यू हैव अ फैंटास्टिक डे।